एक बहुत बढ़िया कहावत है कि जगाया उन लोगों को जाता है जो सो रहे हैं, जगाया उन्हें नहीं जाता है जो या तो जिनका ईमान मर चुका होता है, जिनकी आत्मा खत्म हो चुकी होती है, या जो जिंदा लाश बनकर जी रहे होते हैं। ट्विटर पर आपने देखा था कि विनोद नाम कुछ वायरल हुआ, तो उस समय मीडिया पूरी लग गई हुई थी। आज देखिए, थाली बजाने के टाइम में आपने देखा होगा कि मीडिया सब लग गई थी और कुछ कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर। और आज स्टूडेंटों की अगर बात आई हुई है, रोजगार की बात आई हुई है, तो कोई भक्त मुझे नहीं लगा, मैंने देखा अभी बाहर जाकर, कोई भक्त मुझे बाहर थाली बजाते हुए या उनके लिए 5 मिनट के लिए कोई उनके काम आ जाए ऐसा नहीं दिखाई दिया है। काफी लोगों ने इसमें भाग लिया है, अच्छी बात है, मोदी साहब जाग जाएं। और जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, फिर चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, बीएसपी हो, या जो भी आपकी हो अन्य, सभी को जाग जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट रोजगार चाहिए उन्हें। आपकी खत्म हो गई वो टाइम। मोर को तो दुनिया ने देखा है, लेकिन आपने अभी देखा है कि एमपी में मामा की भांजियों पर, वो भांजियों पर जो लाठी बरसाई गई पुलिस के द्वारा, वो किसी के द्वारा नहीं देखा गया, लेकिन मोर के लिए सोशल मीडिया पर देखिए आप लोग, सबसे बुरी हालत अपने यहाँ की मीडिया की है, जिसे हम लोग तंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। ये इतनी नीचे गिर चुकी है हरकत इनकी कि आप सोचिए कि इन्हें, इनके बारे में जितना गलत बोल सकते हैं आप लोग, उतना अपने मन में सोच सकते हैं। अगर देश को बर्बाद किया है तो चंद गद्दारों और चंद मीडिया घरानों ने। अभी देखा है आपने कि एसएससी का 35 लाख के करीब आपके ट्विटर पर ट्वीट किए गए थे, लेकिन ये मीडिया में से किसी के सामने नहीं आए। अभी सुशांत का केस मिला हुआ है, इनका इससे टीआरपी चल रहा है, बिहार चुनाव निपट रहेगा। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि अभी कल ही बात हुई, कंगना रनावत, वो भी आजकल ट्रेंड पर आ चुकी हैं। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे अनुष्का शर्मा की डिलीवरी होने वाली है, वो आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे और कुछ आ जाएगा। किसान आप देख रहे हैं कि सुसाइड कर रहे हैं डेली, किसान छात्र सुसाइड कर रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है किसी के लिए। बॉर्डर पर अगर जवान शहीद होता है, उसकी मुझे लगता है कोई कीमत नहीं। हम लोग गरीब हैं, अगर कोई नेता को कुछ भी होता है, तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में तुरंत बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कोरोना के कारण आपने देखा है किस तरह से गरीब पिसते गए, एक त्रासदी सी झेलते गए, मजबूर होते गए। काफी जाग जाए तो मुझे लगता है कि सही है। ये भारतीय ही है, ये ऐसा नहीं है, एक कोई विदेशी नहीं ताली बजा रहे हैं। आपने कह दिया कि सोशल मीडिया पर आपने देखा है जो पीएम साहब ने मन की बात की थी, उस पर कह दिया है कि ये विदेशी से, विदेशों से अनलाइक आए हुए हैं, डिसलाइक आए हुए हैं। लेकिन पहचान लीजिए, ये तो आपके ही देश के बेरोजगार युवाएं हैं। मोदी साहब, मुझे लगता है कि आपको समझ लेना चाहिए, मामा के शर्म भी नहीं बच्ची, समझ गए आप? बेचारे बच्चे, मतलब आप सोचिए किस किस हालत से आते हैं, किस परिस्थिति से जुड़ते हैं, कैसे वो अगर तैयारी नहीं करते हैं जितने एग्जाम की, तो वो किस तरह से रहते हैं। कभी आप जाकर देखिए अपने बच्चे को एक जगह रख के देखिए, कोई बच्चा अगर सुसाइड करता है उसके परिवार का क्या दिखती है, उसे कभी आप जाकर देखिए, पता चल जाएगा मुझे लगता है कि क्या स्थिति है। अगर तुम्हारे बच्चे को जुकाम भी हो जाए तो तुम बेहतर ट्रीटमेंट देते हो। गरीब का बच्चा अगर नौकरी की तैयारी के लिए निकलता है तो घर परिवार की कितनी उम्मीदें होती हैं, इसको शायद तुम दो कौड़ी के लोग कभी नहीं समझ पाओ। सबसे पता है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में यही हुआ था, जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने आवाज उठाई तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया गया। उन पर हर तरह से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उस आग को रोक नहीं पाया कोई। तो मुझे समझता है कि, मतलब मुझे लगता है कि अब समझ जाना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? देख लीजिए, कोई मतलब आप सोचें कि पाकिस्तान से आए हुए हैं या इंग्लैंड या कहीं से भी, रूस, ये हमारे भारतीय ही हैं। मुझे लगता है कि जाग जाना चाहिए आपको। सभी छात्र हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपको और कोई लगे, समझ रहे, समझ जाना चाहिए।
ये सभी छात्र हमारे ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि कहीं से विदेश से आके और यहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं। किस किस परिस्थिति से आते हैं? मुझे तो उस दिन बड़ा होगा आपका सभी बयानी से भर जानते हैं, कि आपका प्रधानमंत्री जन खाली की आवाज पहुँचनी चाहिए। एक नारा लगाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटी नौकरी पहुंचे मांगने तो उस पर लठ चलाओ। यही तुम्हारी स्थिति है, देख लीजिए इनको, देखिए कम से कम चुप हो जाओ। प्रधानमंत्री साहब, आपको शायद अपनी औलाद नहीं है इसलिए दुख भी नहीं होगा, समझ रहे हैं? मुझे लगता है कि औलाद होती तो पता चलता कि क्या होती है दर्द, एक बच्चा किस तरह से अपने घर से निकलता है। ये सभी आपके ही देश के लोग हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं। अगर आपको भी इन्हें भी आप अगर देशद्रोही ठहरा सकते हो तो ठहराइए, लेकिन देखिए कितनी उम्मीद होती है एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे के घर वालों को, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। और याद रखिए, इंदिरा गांधी कांग्रेस की, मैं हमेशा बताता आया हूँ कि उन्हें भी यही घमंड था कि मेरा कुछ नहीं उखड़ पाया, लेकिन जेपी आंदोलन जब आग की तरह फैला था तब गद्दी से उतार दिया था इंदिरा गांधी को। तो घमंड तो अच्छे अच्छों के नहीं रहा है, रावण का नहीं रहा है, और मामा फिर कोई भी हो, आजकल मामा कुछ ज्यादा ही ट्रेंड में है। देखा गया किस तरह से लाठी बजाई गई है। हम लोगों को कांग्रेस बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग छात्र हैं, हमें केवल नौकरी से मतलब है। आप कुछ भी कहिए उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले छात्रों को नौकरी से नौकरी दे दीजिए, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। कितनी उम्मीदों के साथ आपको जिताया गया था, आपने जिस तरह से कुछ भी कहिए, आपकी नीतियों का हम लोग विरोध नहीं कर रहे, ना ही हम लोग किसी के पक्ष में बोल रहे हैं, हमें बस रोजगार देते रहिए। वही है कि आत्मनिर्भर हो जाइए, कहां से हो जाइए आत्मनिर्भर? ये सभी आपके यहाँ के बच्चे हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को जब मोदी जी थाली बजाने के लिए बोलते हैं तो अंधभक्त तो बड़े लग जाते हैं, लेकिन आज बच्चों की जिंदगी के लिए, हाँ भगवान से दुआ करिए आज कल तुम्हारे भी बच्चे ही खड़े रहेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि छात्रों का दर्द क्या होता है, बच्चों का दर्द क्या होता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। किस तरह से रूम लेकर रहते हैं, एक रूम में एक दिन गुजार के देखिए, उस दिन पता चलेगा कि क्या होती है जिंदगी। नेता और कोई भी हो यार, देखें मुझे नहीं लगता है कि कोई एमपी में कल जो घटना घटी जिस तरह से भोपाल में, इंदौर में और ग्वालियर में भी देखी गई, मुरैना क्षेत्र में भी देखी गई है, किसी कोई भी विधायक पक्ष में नहीं आया, जिन्हें हमने अपने नेतृत्व करने के लिए चुना हुआ है वो भी हमसे दूर होते जा रहे हैं, हमारी सुन भी नहीं रहे। भगवान तो मैं कभी माफ नहीं करेगा, हो सकता है कि अभी आपके पास पैसा है, सब कुछ है, पावर है, आप किसी की भी आवाज दबाने में कोशिश करें, इतिहास लेकिन तुम्हारे ऊपर थूका जाए थूकेगा और धिक्कार करेगा, जिस तरह से आज भी आप देखते हैं कि सिंधिया ने गद्दारी की थी रानी लक्ष्मीबाई के साथ, और भोपाल की महारानी ने जिस तरह से गद्दारी की थी, तो आज भी उन्हें इतिहास में गद्दार कहा जाता है। और ये गद्दार तब तक शब्द जुड़ा रहेगा जब तक ये पूरी धरती रहेगी, जब तक इतिहास रहेगा। आप नेता कहलाते हैं, नेता का मतलब समझते हैं? आपके बच्चों को क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो नेता बने हुए हैं। ये सभी छात्र हैं, हमें किसी का सपोर्ट नहीं करना, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमें बस जो नौकरी देते रहे उसी का हम लोग सपोर्ट करने वाले। सभी मामा को तो कम से कम कल की घटनाओं देख के समझ जाना कि जिस तरह से वो भांजियों के लिए कहते हैं बेटी बचा पढ़ाओ बेटी बचाओ, प्रधानमंत्री भी नारा देते रहते हैं,
और जब बेटी के लिए नौकरी की जरूरत पड़ी तो काफी सहयोग दिया है आप लोगों ने। ट्रेंडिंग में आपने देखा है कि काफी आपका काफी आया हुआ है। अब देखिए मीडिया मीडिया अगर कवर कर लेती तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन आपने देखा है कि मीडिया ने ना के बराबर कवर किया हुआ है। और विनोद शब्द के लिए आपने देखा था कि ट्रेंडिंग में जैसे ही आया था मीडिया लग गई थी, लेकिन हमारे आपके इस तरह के आंदोलन में नहीं देखा गया है। कोई आप देख रहे हैं कि कोई ज्यादा आवाज भी नहीं उठ रही है। तो मैं तो कहता हूं भगवान से बस इतना ही दुआ करिए कि कोई अच्छा नेता मिले जो हमारी सुने, हमारी बात सुने, हमारी बात रखे। और अब की बात से आप अपनी कोशिश इतनी ही करिए कि ऐसे विधायक को चुनिए, कम से कम विधानसभा में जाए तो वो आपकी बात को रखे। ऐसे सांसद को, लोकसभा सदस्य को चुनिए जो आपकी बात को रखे वहां जाकर। ऐसा नहीं कि चुप हो जाए, उसे पद मिलने के बाद वो आपको भूल जाए। तो इतना करिए आप लोग, और अपने परिवार को भी जागरूक करिए, और आने वाले बच्चों को मैं तो कहता हूँ कि अंधभक्ति से दूर रखिए। क्योंकि जब हम किसी की अंधभक्ति करने लगते हैं तो हमें सही गुण और गलत गुण दोनों दिखने बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं सही है सही है सही है, तो देखिए और सुधरिए। मुझे लगता है कि वरना देश का तो विकास का तो मालूम नहीं है, लेकिन कहाँ पहुंच जाएगा देश इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, जितनी नौकरियां आ रही हैं उसमें आधी या तो धांधली हो जाती है या कोर्ट चला जाता है। तो तैयारी करने का मतलब क्या रह गया? आप लोग अब की बार से जागरूक रहिए थोड़ा। सोशल मीडिया आप लोगों के पास इसलिए मुझे लगता है कि इस टाइम टाइम बेस्ट टाइम है कि सोशल मीडिया पर अपना विरोध करिए। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे मुझे नहीं लगता है कि सुना जाएगा हमारी बात। देखिए 35 लाख ट्वीट के बाद मुझे लगता है कि SSC ने जो रिजल्ट की डिक्लेयर की घोषणा कर दी है, SSC जूनियर की जो हुई है, तो इसमें काफी आप देखेंगे कि दबाव पड़ा है पूरे देश के छात्रों को। मुझे लगता है कि एक होने की चाहिए अब तो, ठीक है। और भगवान से बस दुआ करिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह गॉड जिसे भी, कि भगवान ऐसे नेता कभी ना देना जो जनता के दुख के लिए कभी ना सुने। आपने देखा है कि पूरा लॉकडाउन में देखा है जनता किस तरह से त्रासदी त्रासदी होती रही, और लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी। रोड पर एक माँ को सबसे बड़ी तस्वीर मुझे उस समय की लगी जब एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया रोड पर, उसके बाद वो फिर चलने लगती है। कभी आप भी नेता हैं, अगर कोई भी नेता है, तो अपनी पत्नी को उस जगह रख के देखिए जब स्थिति का पता चलेगा। कभी आप देखिए कोई सुसाइड करता है छात्र, तो उसकी जगह अपने बेटे को रख के देखिए। कभी अगर किसान मरता है तो उसके अपने बाप को उसकी जगह रख कर देखिए, तब दर्द का मालूम चलेगा। जय हिंद जय भारत, ठीक है।